राष्ट्रपति के बांग्लादेश दौरे का आज तीसरा दिन है और राष्ट्रपति ने रमना काली मंदिर के नए परिसर का लोकार्पण किया। राष्ट्रपति ने काली मंदिर की पूजा अर्चना की। 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने रमना काली मंदिर को नष्ट किया था, जिसके बाद आज परिसर का लोकार्पण किया गया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने काली मंदिर की पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर परिसर का लोकार्पण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और साथ ही नए परिसर का लोकार्पण भी किया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के दौरे पर हैं और आज तीसरा दिन रहा और तीसरे दिन मंदिर परिसर का लोकार्पण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया और साथ ही मंदिर पहुंचकर प्रतिमा के दर्शन किया और साथ ही विशेष पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी ने यूपी उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात की है। चुनाव से पहले 40 सांसदों से मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। सांसदों के साथ नाश्ते पर हुई चुनावी चर्चा, आगामी चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ में बैठक की और इस बैठक में 36 सांसदों के सम्मिलित होने की सूचना है। खास बात यह रही कि बैठक में सांसद व मंत्री अजय मिश्र टेनी दिखाई नहीं दिए। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ममता चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के? सत्र के दौरान अक्सर ही लोकसभा सांसदों के साथ मुलाकात करते रहते हैं और उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के लोकसभा के तकरीबन 36 सांसदों के साथ उन्होंने ब्रेकफास्ट पर सबको बुलाया और इस दौरान उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेकर आगे क्या कुछ रणनीति भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है उसको लेकर इस बैठक में प्रधानमंत्री ने चर्चा की। क्योंकि जब भी संसद सत्र चलता है तो प्रधानमंत्री अक्सर ही लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को अपने आवास पर इस तरह का ब्रेकफास्ट पे चर्चा के लिए अक्सर बुलाते रहते हैं और ये जो आज की चर्चा थी प्रधानमंत्री की, इस मायने में ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सियासी तौर पर इसके मायने बढ़ जाते हैं क्योंकि आगे क्या कुछ रणनीति होगी। क्योंकि देखा जाए तो 18 तारीख से ही प्रधानमंत्री के तकरीबन 4 से ज़्यादा दौरे हैं उत्तर प्रदेश के और लगातार प्रधानमंत्री यूपी का दौरा कर रहे हैं और सौगात पे सौगात दे रहे हैं। अगर इस बैठक की बात करें, चर्चा की बात करें, तो प्रधानमंत्री ने इस दौरान तमाम सांसदों को कहा कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में तमाम तरीके के खेल से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन कराएं और इसके अलावा उनके क्षेत्र में दिन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है उसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और इसके अलावा कोरोना संक्रमण को लेकर भी प्रधानमंत्री ने इस दौरान चर्चा किया। टीकाकरण की स्थिति क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी तमाम सांसदों के साथ प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर ब्रेकफास्ट पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तकरीबन 36 सांसदों को इसमें बुलाया गया था। सबकी निगाहें अजय मिश्र टेनी पर थी लेकिन वो इस बार की बैठक में मौजूद नहीं थे, हालांकि क्योंकि बहुत ज्यादा सांसद हैं तो इस बार केवल प्रधानमंत्री ने 36 सांसदों को ही इनवाइट किया था और उनके साथ ममता। लेकिन विपक्ष लगातार हम देख रहे हैं कि अजय मिश्र पर हमलावर हो रहा है, दूसरी तरफ मुलाकात में भी मंत्री अजय मिश्र टेनी नहीं पहुंचते हैं, तो क्या अब इसके सियासी मायने क्या निकाले जा रहे हैं? क्या अब सत्ता पक्ष भी अजय मिश्र से किनारा करना चाहता है? क्योंकि अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह भी स्पष्ट हो चुका है कि ये सोची समझी साजिश थी। अमनदीप, देखिए जो SIT की रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि एक सोची समझी साजिश है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि उस मामले में किसान की जो हत्या हुई थी, जिन पर गाड़ियां चढ़ी थी, उसमें जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, अजय कुमार मिश्रा का बेटा, वो इस वक्त जेल में है। लेकिन अगर गलती किसी और ने की है, गुनाह किसी और ने की है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे परिवार को सजा मिलेगी। कुछ ऐसा ही बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं है लेकिन सबका
यही कहना है कि जिसकी गलती थी वो जेल में है, तो ऐसे में अजय मिश्रा को सजा किस बात की मिलनी चाहिए। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो वो लगातार ये मांग कर रहा है कि क्योंकि गृह राज्य मंत्री के पद पे है तो ऐसे में वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ये साफ तौर पर बीजेपी समेत तमाम लोगों का यही कहना है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पूरा जांच हो रहा है, तो ऐसे में अजय मिश्रा इसको प्रभावित कर पाए ऐसा संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अभी तक सूत्रों की माने तो ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि अजय मिश्रा ट्रेनी की पद जो है उनको कुर्सी से हटना पड़ेगा, ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरीके से लंबे समय से विपक्ष जो है संसद में भी हंगामा कर रहा है और लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि अजय मिश्रा ट्रेनी की बर्खास्तगी होनी चाहिए, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। क्योंकि अगर सहयोगी दलों की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि जो आरोपी है जो इस पूरे मामले में शामिल है वो तो जेल में है, तो ऐसे में गृह राज्य मंत्री पर कार्रवाई करना उचित नहीं होता। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना निजी मामला है, बीजेपी को तय करना है कि इस मामले में क्या कुछ करना है। जहां तक हंगामे का सवाल है वो लगातार बना हुआ है, विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। ममता आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।